नमस्कार, स्टार अभी तक चैनल में आपका स्वागत है। शनिवार को दिव्य काशी भव्य काशी कॉरिडोर का प्रधानमंत्री के लोकार्पण को लेकर राजमहल विधायक अनंत ओझा ने अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। मौके पर उन्होंने कहा कि आदिकाल से हमारा देश अनेक पुरातन साझा संस्कृति को जोड़े हुए है। दक्षिण भारत में जन्मे आदिगुरु शंकराचार्य देश की एकता को जोड़ते हुए उन्होंने चार धाम की स्थापना की थी। उसी प्रकार से सांस्कृतिक रूप से जुड़ा हुआ भारत के अंदर 12 ज्योतिर्लिंग अलग अलग राज्यों में हमारे यहाँ स्थापित है, और आज़ाद भारत के पूर्व में जो हमारे मान बिंदु के प्रतीक थे, संस्कृति रूप से सनातन भारत की जो सांस्कृतिक पहचान थी उसके माध्यम से पूरे देश को जोड़ने का कार्य किया था। वह 12 ज्योतिर्लिंग के माध्यम से हो या चार धाम के माध्यम से, सनातन संस्कृति ये स्थल अनेक सांस्कृतिक विरासत थे, ये देश की एकता के लिए महत्वपूर्ण कदम था। उन्होंने कहा कि देश की एकता की प्रतीक सांस्कृतिक विरासतों में एक उत्तराखंड स्थित केदारनाथ धाम इलाका प्राकृतिक आपदा में नष्ट हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण कार्य का पूरा किया गया। उन्होंने दिव्य काशी भव्य काशी लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिव्य काशी भव्य काशी लोकार्पण कार्यक्रम का प्रसारण पूरे राज्य सहित साहेबगंज जिला के सभी प्रखंडों में किया जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने सभी हिंदू धर्मावलंबियों से इस कार्यक्रम को सीधा प्रसारण को देखने की अपील की एवं हिंदू धर्म के पुनर्स्थापना की उन्होंने वकालत की। क्या कहा उन्होंने, चलते सुनिए। जनता पार्टी के हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष मालूम है कि आदिकाल से हमारा देश अनेक पुरातन और साझा संस्कृति को जोड़े हुए है। दक्षिण भारत में जन्मे आदि गुरु शंकराचार्य देश की एकता को जोड़ते हुए उन्होंने चारों दिशाओं में चार धाम की स्थापना की थी। उसी प्रकार से सांस्कृतिक रूप से जुड़ा हुआ भारत के अंदर 12 ज्योतिर्लिंग अलग अलग राज्यों में हमारे यहां स्थापित है, और आजाद भारत के समय में, और यह कह सकते हैं कि आजाद भारत के पूर्व जो हमारे मान बिंदु के प्रतीक थे सांस्कृतिक रूप से सनातन भारत की जो संस्कृति थी, उस संस्कृति के माध्यम से सांस्कृतिक रूप से पूरा देश एक सूत्र में जोड़ने का, ये इस प्रकार के चाहे वो ज्योतिर्लिंग के माध्यम से हो, चाहे धाम के माध्यम से हो, अनेक प्रकार के शक्तिपीठों के माध्यम से हो, इस प्रकार के जो सांस्कृतिक विरासत थे वो देश की एकता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम थे। और ऐसे में हम सबको आज यह सुखद करते हुए आनंद हो रहा है, 12 ज्योतिर्लिंग में एक उत्तराखंड में जब आपदा आई थी, आपदा के बाद उत्तराखंड के मार्ग से लेकर के सब कुछ वहां ध्वस्त हुआ था, केदार खाटी ध्वस्त हुई थी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो विश्व के सबसे प्रमुख नेता के रूप में स्थापित है, उन्होंने केदार घाटी के पुनर्निर्माण करते हुए और केदारनाथ धाम को पुनः उद्धार करने का काम, सांस्कृतिक रूप से भारत को जोड़ने का काम किया। आगामी 13 दिसंबर को यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथों दिव्य काशी भव्य काशी कॉरिडोर का लोकार्पण होने जा रहा है, जो बनारस के अंदर बाबा विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग, जिस ज्योतिर्लिंग के माध्यम से जो सांस्कृतिक भारत था, सांस्कृतिक भारत में एक महत्वपूर्ण कड़ी था, चाहे दक्षिण के राज्य के आए हुए धर्मावलंबी हो, चाहे उत्तर भारत के धर्मावलंबी हो, सभी हर स्थानों पर एक दूसरे को जोड़ करके रखने का काम किए थे, वह बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथों आगामी 13 दिसंबर को होगा।
होगा। इसको लेकर के जहां पूरे प्रदेश भर में, झारखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने सभी प्रखंड स्तर पर जो बड़े मंदिर है, शिवालय है, मठ है, उन मठों में साधु संतों को सम्मानित करते हुए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता स्थानीय समाज के लोगों को साथ लेकर के उसके लाइव प्रसारण को लेकर के हम लोग देखने का काम करेंगे। उसके पहले कल जो इस प्रकार के मंदिर है, उन मंदिरों में इसको स्वच्छता की ओर ले जाने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी स्थानों पर मंदिरों के साथ स्वच्छता के साथ खुद को जोड़ने का काम करते हुए मंदिरों का सफाई अभियान भी चलाएंगे। और 13 तारीख को जहां एक और राज्य में सभी प्रमुख मठ मंदिरों का स्वच्छता के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का साधु संतों के साथ मिलकर के, मठ के प्रमुखों के साथ मिलकर के, समाज के वरिष्ठ नागरिकों के साथ मिलकर के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा जो ऐतिहासिक दिव्य काशी भव्य काशी कॉरिडोर का लोकार्पण होगा उसके हम सब साक्षी बनेंगे। वहीं साहेबगंज जिला में भी सभी प्रखंडों में आदरणीय जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समाज के लोगों का साथ लेकर के और इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बनने का हम लोग काम करेंगे।